नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का लाइव में स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं और किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई गलत टिप्पणी के हिसाब से नहीं, और ना कोई आप भी करें। आज का लाइव बहुत ही शानदार लाइव है और देश के सभी हिंदू भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ा संदेश लेके आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ मैं। तो जुड़ जाएं, शेयर करें सभी साथियों को। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि बिना किसी जानकारी दिए मैं सडनली इमीडिएटली लाइव आया हूँ, फिर भी मुझे यकीन विश्वास है कि काफ़ी लोग जुड़ेंगे। जल्दी से जल्दी शेयर करें, मेरी बात रखने से पहले 1K पूरा करें। हाँ, बिल्कुल 250 लोग करीबन जुड़ चुके हैं बिना किसी जानकारी दिए हुए, फिर भी आप लोग बिल्कुल अपना समय दे रहे हो। यशपाल सिंह राजपुरोहित की तरफ से सादर प्रणाम। बिल्कुल यशपाल शाह, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मौज करो, नैस करो। गुजरात का ओर से राम राम। बिल्कुल बिल्कुल सागर भाई, वंदे गो मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। 330 लोग जुड़ चुके हैं, 350 लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी फटाफट 1K पूरा करें, 1000 लोग पूरा करें, उसके बाद मैं मेरी बात रखूंगा, उससे पहले बात नहीं रखूंगा। और साथियों से एक निवेदन है कि आपको पता है मैं लाइव चल रहा हूँ तो कृपया करके फ़ोन ना करें अभी, है ना। मैं लाइव चल रहा हूँ तो फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं फ़ोन में क्या है, पता नहीं किस समय कौन सा फ़ोन आता है, और फिर आपको पता है कि थोड़ा गर्म दिमाग का तो हुई हूँ मैं, तो कहीं अभद्र बोल देता है तो फिर सुनने की आदत है नहीं, तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। इसलिए मेरे अपने चाहने वालों से निवेदन है कि फ़ोन ना करें, है ना। बस खाली ये क्या क्या आ रहा है इसकी, तो चलो उसको कर देते अपन फ्लाइट मोड, ना आएगा ना बजेगी, क्या बोले। हेलो, चलो उसको कर दे फ्लाइट मोड। 450 लोग जुड़ जाए, जल्दी से जल्दी शेयर करें। बिल्कुल जय श्री राम, वंदे को मातरम, वेदांत जी जय श्री राम। बिल्कुल कौन है भाई, मदन जी राजपूत, जय माता जी की। यशपाल सिंह जी, वंदे को मातरम। जीतू सिंह जी राजपूत, जय श्री राम, जय श्री राम। जामता राम जी देसाई, वंदे को मातरम। क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, बस सनातन धर्म के लिए कुछ अच्छा संदेश लेकर आपके बीच में ले आया हूँ। जुड़ जाएं, मेरे 500 लोग जुड़ चुके हैं, 500 लोग लाइव जुड़ चुके हैं, और बिना किसी जानकारी के 500 लोग, करीबन 550 लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी से जल्दी शेयर करें, अपना 1K पूरा करें, ताकि मैं अनिश तिवारी जी, वंदे को मातरम, जय श्री राम। मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर मैं अभी बैठा हूँ, मैं मध्य प्रदेश में हूँ फिलहाल, बेंगलुरु की धरती से कोटि कोटि। बिल्कुल ईश्वर राजपुरोहित, आयुष्मान पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मौज करो। 600 लोग जुड़ चुके हैं, शेयर करें जल्दी से जल्दी, ताकि क्या मैं मेरी बात जो है वो आपके बीच में रख सकूँ मैं, है ना। आज का जो विषय है काफ़ी शांति प्रिय संदेश, और शायद काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, बोले टाइगर भाई आजकल आपका लाइव बहुत शांति भरा देते हो आप, क्या करें, मेरे अपनों ने मुझे बांध के रखा है। मेरे भाई, एक तो मेरी खास, मेरी यानी कि भगवान ने मुझे ऐसी बहन दी है, उस बहन की वजह से मैं, कहने का मतलब, आजकल गाली गुप्ता लाइव में नहीं करना बंद कर दिया मैंने। और कई ऐसे भाई हैं, भले वो हैदराबाद से उत्तम सिंह हो, भले तिरुपति से दिनेश सिंह जी हो, भले राम सिंह जी हो अहमदाबाद से, ऐसे अनेकों मेरे भाई हैं जो, कहने का मतलब, मुझे ये हमेशा कहते हैं कि टाइगर साहब आप उन लोगों को जवाब मत दो, क्योंकि छोटे लोगों का काम है कहीं की टिप्पणियाँ करना। छोटे छोटे लोगों को अगर अपन जवाब देने लग जाते हैं ना, तो अपना समय भी बर्बाद हो जाता है, और अपन जिस मिशन को लेकर, जिस मुहिम को लेकर देश के लिए निकले हैं, उसमें कहीं ना कहीं अड़चनाएँ पैदा हो जाती हैं। सतीश राजपुरोहित की, बिल्कुल सतीश जी, वंदे को मातरम। सभी साथियों को, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, मैं आप लोगों के एक नाम नहीं ले पाऊंगा, बुरा ना माने। मेरी बहन नित्या किशोरी जी के श्री चरणों में कोटिश प्रणाम वंदन। जुड़ चुके हैं मेरी बहन, आपने काफ़ी कुछ मेरे अंदर, जीवन के अंदर बदलाव लाया है मेरे अंदर। और एक मुझे वीडियो भेजा था मेरी और एक बहन ने, पूजा नागर ने, उस वीडियो के अंदर जो एक बहन का कुछ शब्द हैं, उस शब्दों को सुनकर काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है मेरे अंदर। तो लाइव चल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर मैं केवल और केवल अब किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व, टिक्का टिप्पणी, करीबन 700 लोग करीबन जुड़ने वाले जुड़ चुके हैं,
टिका टिप्पणी करने वालों पर ध्यान नहीं देता हूँ। बिल्कुल आप जुड़ जाएं, वन के पूरा करने के बाद मैं मेरी बात रखूंगा, तब तक आपसे बात करूँ। अनिल राज पुरोहित, गोरक्षा कमांडो फोर्स कच्छ से, मोस्ट वेलकम, स्वागत है मेरे छोटे भाई अनु। अनिल राज पुरोहित बिल्कुल, मदन जी राजपूत, ये तो भाई राजनीति है, बिल्कुल ये राजनीति है, बिल्कुल राजनीति है। और उसमें ऐसा है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, पहले जुड़ जाएं, करीब 700 लोग हुए हैं, वन के पूरा करें, 1000 लोग जुड़ने के बाद ही बात रखूँगा, वरना लाइव बंद कर दूंगा मैं, ये क्लियर बात है मेरी। उत्तम सिंह जी राज पुरोहित बिल्कुल, वंदे गो मातरम, ये फोन लो काट दिया मैंने। गोरक्षा कमांडो फोर्स कर्नाटका, हमारे गोपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम, जुड़ जाएं जल्दी। बहुत बड़ा विषय आज हिंदुत्व के लिए, केवल और केवल हिंदुत्व की बात होगी। और जो जोधपुर की जो घटना है, वो जो एक्ट्रेस, क्या नाम, एक्ट्रेस नहीं कहूँगा, कॉमेडियन कहूँगा मैं, कॉमेडियन प्रिया गुप्ता के बारे में भी आज मैं बात करूँगा, जुड़ जाएं। और एक क्या नाम, उसका नाम नहीं लेते हुए मैं कहूँगा, एक असामाजिक तत्व है जो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता है, राजस्थान का हीरो समझता है, उसको एक अच्छा संदेश भी दूंगा मैं, जिसने गोरक्षा कमांडो फोर्स के नाम से लाइव में गलत टिप्पणी की है, ठीक है। तो जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, एक बार शेयर करें मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे गो मातरम, जय गो माता जी की। श्रवण सिंह जी वंदे गो मातरम, जोगराज जी वंदे गो मातरम, जोधपुर मेरा छोटा भाई सुनील पटेल जुड़ चुका है, मोस्ट वेलकम। कोयम्बतूर बिल्कुल, मदन जी कोयम्बतूर बहुत जल्दी आएंगे, काफ़ी कुछ कोयम्बतूर से कहने का मतलब, कई समय से कोयम्बतूर वाले बोल रहे हैं कि भाई आप आते नहीं हो, आते नहीं हो। यहाँ पर गोपाल जी, सलाम सर, बिल्कुल गोपाल जी आपसे निवेदन है, ये आप सलाम नहीं कहते हुए कुछ और शब्द इस्तेमाल करें तो बढ़िया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सलाम भी शहीदों को बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं वैसे कि थोड़ा अशोक जी राजपुरोहित, वंदे गो मातरम, 800 करीबन लोग जुड़ चुके हैं। सुमेर जी बिश्नोई है, न्यून प्रणाम है साहब। विष्णु राजपुरोहित गोलिया कला, मेरा परम शिष्य विष्णु राजपुरोहित गोलिया कला जुड़ चुके हैं, छोटा भाई। भाई साहब उनको जवाब दो आप चैनल, हाँ वही वही गोपाल जी, मैं जो यूट्यूब चैनलों पर, जो यूट्यूब चैनलों पर कुछ असामाजिक तत्व अपने आप को फेमस करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, ऐसी ऐसी फर्जी और फालतू हेडलाइन से जो डालते हैं, हेडलाइन से डालते हैं। और कई लोगों ने मेरा, 850 लोग जुड़ चुके हैं, मेरा फोटो लगाकर बात कोई और कर रहा है, ऐसी बातें हैं, सभी लोगों को जवाब दूंगा। बिल्कुल जावाल, अब तो मुस्लिम को भी, हाँ वही तो बात है ना जावाल जी, जानवा वही बात है, इसलिए मैं आज लाइव आया हूँ। मुझे इससे मैं टिकट टिप्पणी करने की कोई वो चीज़ नहीं है, और सभी को पता है कि मैं जो देश की बहन बेटियाँ हैं, मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। सुरपंखाओं को छोड़कर, सुरपंखाएँ देश की बहन बेटियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि सुरपंखाएँ एक राक्षस प्रवृत्ति की औरतें होती हैं। बाकी जो देश की बहन बेटियाँ हैं, उनकी मैं सनातन हिंदू वाहिनी मध्य प्रदेश जिला उज्जैन की ओर से बिल्कुल, दशरथ जी योगी उज्जैन आने वाला हूँ, बहुत जल्दी उज्जैन आने वाला हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, आप पोस्ट देख सकते हो मेरी, 850 करीबन लोग जुड़ने वाले हैं। शेयर करें जल्दी से जल्दी, ताकि तिरुपति भी आएंगे। मोहन जी चौधरी वंदे गो मातरम, जय श्री राम। हिंदू कीमा भाई जय जय गो माता, जय गो माता। सुमेर जी विष्णु गुरु महाराज आमेश्वर भगवान है, बिल्कुल भाई साहब, एट द फुल सपोर्ट, बिल्कुल थैंक यू। आदित्य मिश्रा जी नमस्कार, राजपुरोहित लाल जयंती बिल्कुल, वंदे गो मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है सभी तक आराम से, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है ना, जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप पर से लगाकर, फेसबुक पर लगाकर लोगों को बुलाओ, ताकि मैं मेरी बात रखूँ, अच्छी बात है, और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। विशेष तौर पर जो प्रिया गुप्ता वाला जो कांड है, उस विषय को लेकर भी मैं आऊँगा, अब बताऊँगा आपको, बहुत अच्छी बात है, कुछ बताने वाला हूँ, बेंगलोर आने वाला हूँ, बिल्कुल भाई ईश्वर जी बेंगलोर प्रवास होने वाला ही है। मेरा छोटा भाई जो फिलहाल मेरे बहुत करीबी है, अभी भी जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, गौतम राजपुरोहित पादरू जुड़ चुका है। पप्पू सिंह चौहान, जय माता जी की हुकुम।
बिल्कुल दीपक जी पाठक, जय श्री राम, जय परशुराम, जय श्री रघुनाथ जी की, जय जामेश्वर भगवान की, जय राजा राम जी महाराज की। सागर जी, सागर जी बिल्कुल सेम टू यू सागर भाई। आरवी रबारी, जय जाताराम जी महाराज की, जय गौ माता की, मनीष बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार, जय श्री राम। आप लोग शेयरिंग करते रहें, लोगों को जोड़ें, इस बात को इसलिए मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैं व्यस्त भी था, इसलिए मैं ये कौन है, इलियास खान बोल रहा है। अच्छा, इसलिए इलियास खान ने बोला है, कुछ नाम बोला है उसने, ये क्या पता नहीं असलम क्या लिखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई इलियास, जय श्री राम। सभी जो भी सच्चे देश के, सभी देश के सच्चे मुसलमान हैं उनको भी मेरी तरफ से जय श्री राम। आप भी बोलिए जय श्री राम। अच्छा, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, देखिए बात रख ही देता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ काम है। नंबर वन, प्रिया गुप्ता जोधपुर की, एक जोधपुर की ना हूँ ना, जोधपुर की क्या, राजस्थान की कॉमेडियन कहूँगा मैं, प्रिया गुप्ता, वो भी मेरी बहन है, हमारे राजस्थान की बहन है, हमारे हिंदू बहन है, ठीक है। तो नंबर वन कि प्रिया गुप्ता के बारे में पहले तो जो कुछ लोग ये यूट्यूबों के माध्यम से कुछ असामाजिक तत्व, कुछ चरित्रहीन लोग, कुछ देशद्रोही कहूँगा मैं उनको, मेरी नज़रों में वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, जो कुछ भी है, जो यूट्यूबों के माध्यम से अपनी हेडलाइंस बना बना कर SS टाइगर को धमकी ने, SS टाइगर ने दी धमकी ने, फलाना ढिमकान ये न वो न, अरे कुतरियों, प्रिया गुप्ता मामले में न तो SS टाइगर ने किसी को धमकी दी, न SS टाइगर को किसी ने धमकी दी। नंबर वन, प्रिया गुप्ता मामले में जिस किसी व्यक्ति ने, माना कि प्रिया गुप्ता के कुछ वीडियो जो कॉमेडियन के वीडियो हैं, मैं खुद उसकी घोर निंदा करता हूँ, वो वीडियो सही नहीं है, मैंने विरोध भी किया है कई बार प्रिया गुप्ता के कॉमेडियन वीडियो का, परंतु किसी भी ऐसा, अगर कोई ऐसा वीडियो किसी और का वीडियो है वो, उसके बाद अगर उसका प्रिया गुप्ता के नाम देकर किसी भी हिंदू बहन को इस तरह से जलील करना, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जिसने भी ये काम किया है, अभी भी मुझे पता भी चला है कि किसी ने उसको अरेस्ट भी कर लिया है, कुछ तो असामाजिक तत्व लोग, बुद्धिहीन लोग, मूर्ख महामुंड लोग, मूर्ख को भगवान गीता में महामुंड बोला है, मुंड बोले तो मूर्खों का मूर्ख, ठीक है ना, उन लोगों ने ये कहा कि इसमें तो SS टाइगर का हाथ है। क्यों भाई, प्रिया गुप्ता ने SS टाइगर का क्या बिगाड़ा, कैसे टाइगर ने प्रिया गुप्ता का क्या बिगाड़ा, जब उन्होंने गलती करी, जब उन्होंने कहीं भी ऐसे वीडियो में, भले भगवे के नाम पर हो, किसी के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर अगर ऐसा कोई वीडियो बनाया तो उसका मैंने विरोध किया, और विरोध करने के बाद में वो वीडियो डिलीट भी हो गया, ठीक है। तो उसकी ना उससे हमारी कोई दुश्मनी ना दोस्ती, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, नहीं कहूँ से दोस्ती और नहीं कहूँ से वैर है। तो क्यों कुछ लोग ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं, और प्रशासन वालों को, मैं जोधपुर प्रशासन वालों को, और वो राजपुरोहित साहब जो भी एक ऑफिसर है जिनका नाम है, कुछ नाम है राजपुरोहित साहब का मैं भूल गया हूँ, उन्होंने, उनकी टीम ने बहुत ही जल्दी ये कार्रवाई की, वन के लोग 1000 लोग जुट चुके हैं, उन्होंने कार्रवाई की। तो मैं जोधपुर प्रशासन को तहे दिल से सल्यूट करता हूँ मैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी दुनिया के सामने उन्होंने रख दिया कि प्रिया गुप्ता का वीडियो किसने वायरल किया था। मगर कुछ हरामियों ने, कुछ कुत्तों ने तो ये यहाँ तक लाई बाबा के भोंकना शुरू कर दिया था, और तो और पोस्ट बना बना कर बोले इसमें SS टाइगर का हाथ है, इसमें SS टाइगर का हाथ है, इसमें SS टाइगर का हाथ है, इसमें तो SS टाइगर का कोई हाथ नहीं है। ये पहली बात, वो वीडियो भी प्रिया गुप्ता का नहीं है, वो वीडियो प्रिया गुप्ता का नहीं है। उस बहन को अगर किसी ने, अगर हाँ अगर वो कोई गलती करती है उसका विरोध करो, मैं तो खुद कह रहा हूँ गलती करती है तो खुलकर विरोध करो, गलती करते हो खुल को विरोध करो, मगर इस तरह से जलील करना किसी को, इतना प्रताड़ित करना, परेशान करना, ये मेरी नज़रों में गलत है किसी भी बहन, क्योंकि बहनों की रक्षा के लिए हम लोग दिन रात लड़ते हैं, ठीक है। जो लोग YouTube पर ये डाल रहे हैं कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, और मेरा नाम ले लेके यूट्यूबों के ऊपर
यूट्यूब के ऊपर, मैं उन यूट्यूब के चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, ये हरकतें बंद कर दें, ये हरकतें बंद कर दें। हाँ, टाइगर का नाम लिखने से तुम्हारे व्यूज बढ़ तो रहे, मगर तुम्हारा व्यूज किस दिन घट जाएगा उसका पता नहीं चलेगा फिर। हाँ, इस बात का ज़रा ध्यान रखें, समझ रहे हो मेरी बात को, मेरा नाम का गलत इस्तेमाल मत करो। मैं बहुत शांति से देश की धर्म की रक्षा का कार्य कर रहा हूँ, मैं बहुत शांति और धर्म से देश की रक्षा का कार्य कर रहा हूँ, मुझे करने दें, बिना फालतू बीच में दखलंदाजी ना करें। मैंने कहीं भी, और हाँ दूसरी बात ये, अगर इस मामले में कहीं भी आपको लग रहा है कि टाइगर का रोल है, तो प्रशासन से जांच करवाओ भाई, एफआईआर दर्ज करवाओ, प्रमाण करवाओ ना। ये तो ठीक है, उसने प्रशासन में उठा के जो भी है जिसको अरेस्ट कर लिया, पर ना ये लोग साले मेरे नाम का इस्तेमाल करके मुझे बदनाम करने लग गए थे। हैं, पुलिस को दिल से सैल्यूट करता हूँ, बिल्कुल धन्यवाद है पुलिस, और उसमें विशेष तौर पे हमारे एक समाज का भाई जो राजपुरोहित भाई है, उसकी वो उनकी टीम थी, ठीक है ना, जो कुछ भी किया अच्छी बात है, परंतु ये इस तरह का जलील वीडियो बनाकर कई पता नहीं कौन से, वो मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है, कहाँ से वीडियो डाउनलोड करके उसको किसी का नाम देकर किसी को बदनाम करना, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ये सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाह फैलाने वाले उन भाड़ों को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो कभी पेपर कटिंग भेजते हैं, कभी वीडियो भेजते हैं, कभी ऑडियो भेजते हैं, इस तरह हरकतें कर रहे हैं, उनका है ना, उनका अच्छे से इलाज होना चाहिए। कोई भी हो, अगर किसी को भी बदनाम करने वाले ये राक्षसों के वलादे जो हैं, उन लोगों का इलाज होना चाहिए, बराबर। और बाकी दूसरा निवेदन मेरा, 1100 लोग लाइव जुड़ चुके हैं, बाकी दूसरा निवेदन मेरा उन कलाकारों से है, उन एक्टरों से है, कि आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक्टिंग करो, कॉमेडी करो, जो कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने हमेशा कलाकारों का साथ दिया है, कई कलाकार जो है दिल से जुड़े हुए हैं मेरे, है ना, हमें आपसे क्या आपत्ति है। पर आपसे निवेदन है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म को गिराने जैसा कोई ऐसा वीडियो ना बनाए, कोई भी ऐसा वीडियो ना बनाए जिससे हमारा सनातन संस्कृति गिर रही हो, उसका गलत संदेश जा रहा हो, युवाओं में गलत संदेश जाए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे परिवार के साथ बैठकर देखें, ऐसा वीडियो ना बनाए। एक तो वो है ना, उसका नाम लेकर क्या बोलूं मैं, उसको नाम वाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, वो हरामी जो जोधपुर बैठा बैठा एक दिन लाइव आके भोंक रहा था, गौरक्षा कमांडो फोर्स, ये गौरक्षा कमांडो फोर्स, वो तो बड़वा तू भी शुद्ध था, तेरे को बोल रहा हूं मैं, तेरी मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं तेरी गलतियां ऐसी हुई हैं जो आज भी प्रमाण पड़े हैं, कहीं डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए तूने लड़कियों को देकर टाइगर को फंसाने का तुम लोगों ने जो गंदा षड्यंत्र किया था, तुम्हारा फेल हो गया वो, ऐसे टाइगर है सामने, जरा दे सोच समझ के प्लान बनाओ, तुम्हारे ये गंदे चक्र में फंसने वाला मैं नहीं हूँ, समझ रहे ना। और गौरक्षा कमांडो फोर्स का नाम लेके तू क्या लोगों को दर्शाना चाहता है, तू है मेरी रोजी रोटी छीन ली, मेरे पेट पे ये हो गया, मेरे तो गंदा काम करता है क्यों तू, सनातन धर्म को मिटाने का एक गंदे वीडियो बनाता है क्यों तू, दूसरों का तो लोग विरोध नहीं करते, तेरा क्यों कर रहे लोग विरोध, बिल्कुल विक्सा राजपुरोहित, ऐसा गंदा काम करते हैं क्यों भाई लोग तेरा विरोध करें, हैं, कहीं ना कहीं तो तूने उनको मौका दिया है तभी विरोध करें, नहीं तो मेरे जैसे लोग क्यों विरोध करेंगे। अब तो गलत नहीं था तो वीडियो क्यों डिलीट किया, रखना था वीडियो पता चलता, क्यों माफी मांगी तूने पूर्व में। और ये कॉमेडी के नाम पर, ये मेरा कहने का मतलब देखो भाई, तू कॉमेडी कर, तू तेरा काम कर, चैनल चला, जो कुछ भी करना है वो कर, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, परंतु ये कॉमेडी के माध्यम से गालियां देना और हर ऐसा ऐसा गंदा गंदा वीडियो बनाना, अभी वीडियो मैंने एक कल और देखा जिसमें तुम लोगों को ये संदेश दे रहे हो कि लड़कियों को शराब पीना चाहिए, ऐसे ऐसे वीडियो पड़े मेरे पास, हाथ में शराब लिया हुआ है और कहीं लेटर लेटर शराब पीने की एक्टिंग कर रहे हो। तो मेरा भाई कम से कम कल्चर को, तू भी मेरा ब्राह्मण भाई है, तेरे से मेरे को कोई वेर नहीं है, है ना, ये फालतू की टीका टिप्पणी करना बंद कर ले, मेरे टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइगर की ना तो कोई सत्ता गिरने वाली है, न टाइगर की कोई पार्टी आने वाली है, न टाइगर कोई इलेक्शन हार जाएगा, हैं हैं पागलों की तरह हरकतें कर रहा है भाऊ, बहुत छोटा है बेटा, तू तेरा काम कर अच्छी बात है,
परंतु तेरे से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तेरे से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मेरा ये कहना है मेरे भाई कि बिल्कुल कॉमेडी कर, हम खुद सपोर्ट करेंगे, हम खुद मंचों पर, हमारे मंचों पर भी बुलाएंगे तुम्हें। परंतु मेरा ये कहना है कि अच्छा एक सनातन धर्म को एक अच्छा संदेश देने का वीडियो बना, जिसमें देश की तरक्की हो, देश के युवाओं को अच्छा संदेश मिले, देश की माताएं बहनों को अच्छा संदेश मिले, ऐसे वीडियो बनाओ ताकि क्या एक अच्छा संदेश जाए समाज के अंदर, देश के अंदर, धर्म के अंदर, ठीक है ना। किसी का नाम लेकर, किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणियाँ कर फेमस नहीं हो जाओगे। ये लाइव में इतने सारे लोग जुड़ गए, वो जुड़ गए, उससे कोई, ये लाइव फेसबुक है, ये खाली फेसबुक और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। धरातल पर अपने को कुछ अच्छा काम करना है। बाकी जो भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से टाइगर के ऊपर टिक्का टिप्पणियाँ कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मेरा उन लोगों से कई बार चैलेंज कर दिया है मैंने। एक बड़ी बात रखने वाला हूँ, उसके बाद आप जुड़ जाएं। एक बार 1200 लोग जुड़ चुके हैं, मैं बड़ी और एक बड़ी बात रखूंगा आपके लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात रखने जा रहा हूँ एक, जरा वो हिंदुओं के लिए गौ रक्षा के विषय में और सनातन धर्म की रक्षार्थ बहुत बड़ी बात रखने जा रहा हूँ मैं। भाई जेटू सिंह, तो तू तेरी बहन को भेज देना, संभाल लेंगे, ठीक है ना। तेरी बहन को अगर कोई तकलीफ हो रही है तो भेज देना, हमारा काम ही है रक्षा करने का। तेरी बहन को कोई तकलीफ हो रही है तो बता देना, हम उसकी भी रक्षा कर लेंगे, चिंता मत करना भाई। जेटू सिंह कौन है ये, जो भी है, ठीक है, कमेंट का जवाब देना है, उचित नहीं समझता। अच्छा, तो मेरा ये कहने का मतलब है मेरे भाई, टाइगर के खिलाफ कोई भी प्रमाण है, कोई भी प्रूफ है, कोई भी प्रमाण प्रूफ अगर कहीं है तुम्हारे पास में, किसी के पास, तो बाकायदा सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल करो, बिल्कुल वायरल करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सभी लोग एक हो जाओ। आपको पता है कि इलेक्शन के अंदर मोदी जी को हराने के लिए सारे कुत्ते एक हुए थे, और आज इस धर्म की लड़ाई में SS टाइगर को हराने के लिए कई सारे कुत्ते एक हुए, जिनका चरित्र कुछ नहीं है, जिनका चरित्र कुछ भी नहीं है, जिनका धंधा नहीं है कुछ लीगली, जिनका चरित्र कुछ भी नहीं है, वही लोग हमारे चरित्र पर कहने का मतलब उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विक्सा, बेस्ट ऑफ द लक। विश्व हिंदू परिषद सीख ली मेरे भाई, जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच, वंदे को मातरम। तो मेरा ये कहना है मेरे साथियों कि आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि इन फर्जी लोगों पर ध्यान ना दें। ये लोग फर्जी टीका टिप्पणियाँ करके देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इन लोगों ने लाखों रुपए ऐंठे हैं हमारे जैसे लोगों को हटाने के लिए। देखो, इस देश का इतिहास रहा है कि सनातन धर्म की लड़ाई लड़ने वाले, देश की लड़ाई लड़ने वाले उन सभी धर्म रक्षकों को मिटाने के लिए, मारने के लिए, हटाने के लिए देश के गद्दार जयचंद मीर जाफरों ने भारी मात्रा में धन लिया था, किसी ने पदों का लालच लिया था। ठीक उसी तरह आज भी इस देश के अंदर ऐसे जयचंद मीर जाफर की औलादे बैठी हैं जिनसे कुछ होता नहीं है। हिजड़े साले घरों में बैठे बैठकर, 4x4 की बेडरूम में बैठकर बीवी के साथ में बैठकर कमेंट करते हैं, फिर बीवी को बताते हैं, देखो मैंने SS टाइगर पर कमेंट किया। अबे दो कौड़ी के टट्टू, तू क्या खाक कमेंट करेगा, SS टाइगर के जूते की बराबरी नहीं कर पाएगा तू। उनकी उनका एजेंडा केवल और केवल एक है, बदनाम करना, जगह से हटाना, बस उनको उनकी कीमत जो मिली है, जो कीमत मिली है ऐसे भड़वों को, उस कीमत का दारू पी के खत्म कर देंगे वो लोग, और बाद में रोओगे आप लोग। कौन रोएंगे, जो ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग रोएंगे। और देखते जा रहे हो जिस जिस व्यक्ति को 90 दिन का टाइम दिया था उनका सर्वनाश सत्यानाश हुआ है, क्योंकि SS टाइगर सच्चा गो भक्त और धर्म रक्षक है। मेरी माँ मेरी सुनती है, मेरे हाथ में गंदा करना नहीं चाहता। बाकी मेरे को दो मिनट नहीं लगे, जरा अंदाजा लगाओ, ये 40-40 मुकदमे कोई मूंगफली बेचने के नहीं हुए मेरे ऊपर। 40-40 मुकदमे मेरे पे बने हैं तो कोई चोरी चमारी के नहीं बने, है ना। कमलेश भाई मांझू, लैंग्वेज बिल्कुल सही है, ऐसी है बड़वों के लिए ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ मैं, अपनों के लिए बहुत प्यार वाली लैंग्वेज मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो कुत्ते जिस तरह से भौंकते हैं ना, गंदी नाली के कीड़े जिनका खानदान का आता पता नहीं है, साले शराबी लोग, हाँ, किसी ने दो दो तीन तीन पतियों को छोड़ दिया, किसी ने कितनों की जिंदगी खराब कर दी, कोई शराब पी के हरकतें करते हैं तो कोई कुछ करके हरकतें करते हैं, हैं, गाली गुप्ता करते हैं। मैं ऐसी गंदी गाली नहीं दूंगा मैं, है ना।
तो ऐसे लोगों को, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये केवल केवल और केवल अपना फेमस होने के लिए, केवल और केवल केवल और केवल फेमस होने के लिए ये हरकतें करते हैं, और भारी मात्रा में धन लूटा है उन्होंने, लोगों से लिया है। इस चीज़ को हटाने के लिए कई जिहादियों से, आतंकवादियों से, देशद्रोही गद्दारों से धन लूटकर वो किसी न किसी को बदनाम कर रहे हैं। मेरा चैलेंज किसी ने स्वीकार नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारी माँ का दूध पिया असली बाप की औलाद हो, तो ऐसे टाइगर के खिलाफ कोई भी प्रमाण पेश करो ना। तुम एडिटिंग करके, कटिंग करके, एक दूसरे को ऐसे बातें करके, इससे कुछ साबित नहीं होगा। प्रमाण प्रमाण चाहिए, प्रमाण। भले वो बेवड़ा हो, भले वो सुरपंखाएँ हो, भले वो सुअर हो, भले वो कोई भी गेंडे गिंडे जो कुछ भी हो ना। हंसी आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों पर हंसी आती है जो इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। भगवान उनका सर्वनाश करेगा। मैं सद्बुद्धि देने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि राक्षसों का हमेशा नाश होता है, और बहुत जल्दी आप देखते जाओ, जैसे जैसे उन राक्षसों का नाश हो रहा है ना, वैसे वैसे इनका भी होगा, इनका भी बहुत जल्दी सर्वनाश होगा, और वो भी भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, होता रहा है, है? लाइव आके भड़वे भोंकते हैं, जिनकी औरतें लोगों के घर में बर्तन मांज के रोज की 100-200 ला के देते हैं, उसका भी पोटली पी जाते हैं, ऐसे लोग लाइव आके भोंकते हैं। कुछ लोग धर्म की आड़ में गंदा काम करते हैं, वो भी लाइव आके भोंकते हैं, गौरक्षा की आड़ में, है ना। जहाँ कहीं भी तकलीफ होती है वहाँ भाई आप उस, अरे बेवड़ों का नाम नहीं लेना है, बेवड़ों का नाम लेंगे तो फेमस हो जाएंगे भाई गौतम, बेवड़ों का नाम लेंगे ना तो फेमस हो जाएंगे वो, इसलिए अपन नाम नहीं लेंगे, समझ रहे मेरी बात को। किसी को भी अपने को फेमस नहीं करना है, पहले जो फेमस किए हैं कुछ गद्दारों को, कई गद्दारों को फेमस कर लिया, जो अपने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ऐसे गद्दारों को फेमस कर दिया, कि ऐसे सूरों को फेमस कर दिया, कि गेंडों को फेमस कर दिया, कि देशद्रोही गद्दारों को फेमस कर लिया, ऐसे कई ऐसे असामाजिक तत्व है जिसको हमने नाम ले लेके, क्यों उनका तो कोई वजूद है नहीं, और टाइगर ने वजूद अपने दम पर बनाया। पूरे देश के अंदर प्रवास करता हूँ आज, आए दिन एक प्रचारक के रूप में पूरे देश के अंदर गाँव गाँव गली गली घर घर जाकर लोगों को हिंदुत्व के लिए जागरूक करता हूँ मैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, लव जिहाद से कैसे निपटना है, गौ हत्यारों से कैसे निपटना है, उस विषय को लेकर मैं जागरूक करता हूँ। उन बड़वाओं का मैंने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, मगर साले दो कौड़ी के गंदी नाली के कीड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदा हो जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को जवाब आप देंगे, अब मैं नहीं, मैं किसी का भी नाम लेके उनको फेमस नहीं करूँगा। वो तो यही चाहते हैं, उनका उनकी औकात इतनी है कि टाइगर हमारा नाम ले, टाइगर के साथ में हम लाइव आएं और हम फेमस हो जाएं, ये उनकी औकात है। जो मेरा ये विरोध करके मेरे ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं, उन सभी सूअर के औलादों से कहना चाहूँगा मैं, उन सभी मीर जाफरों की औलादों को कहना चाहूँगा मैं, उन सभी जयचंदों की पैदाइश को कहना चाहूँगा मैं, कि तुम्हारे माँ का दूध पिया है तो टाइगर के खिलाफ एक भी प्रमाण लाओ, प्रमाण दो कि टाइगर इस जगह पर गलत है, और इनाम ले जाओ, इनाम ले जाओ, इनाम इनाम दूंगा मैं, प्रमाण लाओ और इनाम दूंगा, इनाम ले जाओ, समझ रहे हैं मेरी बात। मगर तुम्हारी औकात है नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ छिंदी चोर छिरकुटों गद्दारों गंदी नाले के कीड़ों, अपने माँ बाप का नाम खराब कर रहे हो, तुम अपने माँ बापों का नाम खराब कर रहे हो। उन माँ बापों को भी कम से कम शर्म आती होगी कि तुम्हारी जैसी औलाद पैदा हो जाती है, जो धर्म के काम करने वालों के बीच में तुम अर्शन बनते हो, मगर कोई ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे तुम लोग, ज़्यादा दिन तुम्हारा, क्योंकि इतिहास इतिहास में इस इतिहास में न